हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह से शोल्डर ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, तो वीडियो को पूरा देखिए। मैं बहुत ही आसान तरीका लेके आती हूँ सिलाई का, और इतना आसान रहता है कि कोई भी बना लेगा, किसी को भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, फिनिशिंग के साथ शोल्डर ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना है कि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों हमें ये पट्टी लगा के रेडी कर लेना है। मतलब नेक की जो पट्टी होती है वो लगा के रेडी कर लेना है। तो बैक पार्ट रेडी कर लिया हमने, ये फ्रंट पार्ट आप देख रहे हैं, इसमें डोरी पाइपिंग लगा के पान शेप में मैंने इसको एकदम अच्छे से रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, बैक और फ्रंट दोनों रेडी हो गया है। अब हमें शोल्डर कैसे ज्वाइन करना है, तो देखिए ये जो बैक पार्ट है इसको हमने इस तरह से रेडी कर रखा है, बस उसको तुरपाई नहीं किया है या सिलाई नहीं किया, वो खुला है। जो पट्टी लगा है हमारा, एकदम पट्टी लगा के ही रखा है, बस उसको सिलाई नहीं किया। तो अब देखिए इस तरह से पकड़ना है इसको, जो हमने बैक पार्ट की पट्टी लगाई है उसको बाहर की तरफ रखना है, और यहाँ से शोल्डर को पकड़ना है, फ्रंट और बैक दोनों को इस तरह से पकड़ना है। और पकड़ने के बाद हमें सिलाई लगाना है। तो देखिए जो बैक पार्ट का जो पट्टी है इस तरह से बाहर निकला होना चाहिए, और वहीं से एकदम जो हमारा पट्टी है वहीं से एकदम देखिए इस तरह से, मैं एक बार और इस साइड वाला शोल्डर दिखा रही हूँ, ऐसे पकड़ना है। देखिए जो पट्टी है वहाँ से छोड़ के और यहाँ साइड से पकड़ना है, और दोनों शोल्डर को पकड़ के हमें सिलाई लगा लेना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स शोल्डर ज्वाइन करने का, एकदम फिनिशिंग के साथ। तो ये देखिए इस तरह से ये ज्वाइंट हो गया। अब एक और सिलाई इसमें हम लगा लेंगे। देखिए इस तरह से ये ज्वाइंट हुआ, तो चलिए एक और सिलाई लगा लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ में डबल सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक और सिलाई हमने लगा लिया। तो लगाने के बाद आगे क्या करना है वो देखिए। तो ये देखिए इसको हम थ्रेड को कट कर लेंगे। अब देखिए क्या आगे का काम कैसे करना है, इसको ऐसे पकड़ना है, ये देखिए ऐसे दबाना है, जो मार्जिंग है उसको इस साइड दबाना है पीछे के साइड। तो इस तरह से देखिए ये पीछे के साइड हमने दबाया, उसके ऊपर से ऐसे पट्टी को फोल्ड करना है। तो ये इतना फिनिशिंग के साथ ये शोल्डर ज्वाइन हो जाएगा और नेक की पट्टी लग जाएगी कि मैं क्या बताऊँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दबा के आप चाहें तो इसको हेमिंग कर सकते हैं, और चाहे तो मशीन से डायरेक्ट सिलाई कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले लॉक करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस तरह से लॉक कर लेना है, और लॉक करने के बाद हमें क्या करना है, देखिए पट्टी को ऐसे फोल्ड करते जाना है, और फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए यहाँ पे। अब इसको इस साइड भी ऐसे दबाना है, और फिर नेक की पट्टी को ऊपर से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे भी लॉक कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये लॉक हो गया, और शोल्डर का फिनिशिंग तो इतना अच्छा आएगा कि मैं क्या बताऊँ। मैं सीधा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये फिनिशिंग आएगा शोल्डर का और नेक का। तो कितना अच्छा ये आइडिया है, और कितना आसान आइडिया है। इस तरह से आप ब्लाउज में या सूट में किसी भी चीज़ में इस तरह से नेक की पट्टी लगा सकते हैं और शोल्डर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा रेडी हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको ये आइडिया कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए कितना अच्छा ये फिनिशिंग देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।